तो गाइस ये रही हमारी फिश कड़ी राइस रेडी है, तो चलिए अब हम खाना खाते हैं। आप मैकरल, इसको बांगड़ा भी बोलते हैं गोवा में, इसको हम लोग फ्राई करेंगे। फिर इसको जो फ्लेम जो है आपको एकदम लो फ्लेम पे रख के इसको कुक करना है, ज़्यादा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक। जैसे कि आप मेरी शक्ल देख रहे हो, अभी सूजी हुई है, तो मैं अभी उठा हूँ। मैं उठा इसलिए हूँ क्योंकि आज जो है हमारा मन है करल करी बनाने का, गोवन स्टाइल में वो भी, तो इसलिए उसके लिए तो फिश बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी जा रहा हूँ फिश मार्केट फिश लाने के लिए। फौजिया और इमाद अभी सोए हुए हैं, तो मैं जाऊँगा तब तक फिश लेके आऊँगा। तो चलिए मैं चलता हूँ अभी फिश मार्केट फिश लाने के लिए, उसके बाद आके आपको बताएंगे कि कैसे बनती है गोवन स्टाइल में फिश करी। बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए गाइस, पहुंच गए हम लोग यहाँ पे फिश मार्केट के पास, एक शॉप है उसमें चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी क्या क्या फिश है अंदर। तो गाइस ये हम लोग मछली लेकर आ गए अभी, ये है मैकरल, इसको बांगड़ा भी बोलते हैं गोवा में, इसको हम लोग फ्राई करेंगे। और ये है सर्दिन्स, इसको तारली बोलते हैं गोवा में, तो इसका हम लोग करी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको क्लीन, तो उसके लिए हमें लगेगी एक अच्छी सी छुरी, फिश कटिंग नाइफ और एक चॉपिंग बोर्ड। तो चलिए साफ करते हैं। तो गाइस मछली हमारी अभी साफ हो चुकी है, चलो अभी इसको कट करते हैं। तो गाइस फिश करी के सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है यहाँ पे, नारियल, धनिया के बीज, ज़ीरा, ड्राई रेड चिल्ली और लहसुन। तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ इसमें डाल के ग्रेट कर लेंगे बारीक फाइन एकदम। और ये है इमली का पानी जो फिश करी में जाएंगी, ये सारी मछलियाँ जो है इसके फ्राई होंगे, और ये सर्दिन जो है इसी करी बनेंगी। अब सर्दिन के करी के लिए दो गोवन मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो है त्रिफल, ये गोवा के लोकल जंगल में आपको अवेलेबल होगा और ये बहुत ज़रूरी है उसमें डालना रिच फ्लेवर देने के लिए। और ये है अमसुल, इसको कोकम भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी फिश करी में और अपना हल्दी पाउडर। फिर ये सब हो जाने के बाद हम लोग ये सारी चीज़ें जो है फिश करी इसमें बनाएंगे, ये मट्टी के मटके में हम लोग बनाएंगे। इसमें जब हम बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और एकदम रिच फ्लेवर आएगा उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अभी। ये जार जो है फुल हो गया है, इसको एक बार ग्रेट करके देखते हैं हम लोग ग्रेट होता है तो, नहीं तो हमको इसको दो बार ग्रेट करना पड़ेगा। वैसे भी ये ग्रेट होने के बाद जो पिसेगा तब तो ये नीचे चला जाएगा। चलिए ग्रेट करते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया था गाइस, इसको हमें पहले थोड़ा कूटना पड़ेगा करी में डालने से पहले, ताकि उसका फ्लेवर निकल के आए। चलिए गाइस शुरू करते हैं फिश करी की कुकिंग। सबसे पहले हमको डालना पड़ेगा ये मसाले, ये जो है ये बारीक रवा है, समोलिना, छोटा समोलिना। तो गोवा में जो फिश फ्राई जो होता है उसको रवा फ्राई करते हैं मोस्टली,
तो रवा फ्राई फेमस होता है वहाँ पे, तो हम आज वही बनाएंगे रवा फ्राई। फिर उसको हमें तवे पे कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा ड्राई, क्योंकि हम जो फ्राई जो करेंगे वो हम करेंगे शैलो फ्राई, यहाँ पे डीप फ्राई नहीं होती, गोवा में डीप फ्राई नहीं करते, शैलो फ्राई करते हैं, वो भी रवा लगा के रवा फ्राई। तो गाइस ये देखिए, ये है हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो ऑयल डालते समय मैंने आपको नहीं दिखाया, तो ऑयल ना ऐसे साइड से डालना है आपको, ये देखिए जब आप फिश रखोगे तो ऐसे साइड से आपको इसको ऑयल डालना है। फिर इसको जो फ्लेम जो है आपको एकदम लो फ्लेम पे रख के इसको कुक करना है, ज़्यादा फ्लेम आप रखोगे तो मछली जल जाएगी, बाहर का जो उसका कवर जो है वो पूरा जल जाएगा, इसलिए इसको लो फ्लेम पे रख के आप आराम से इसको कुक करें, आराम से एकदम से फिश एकदम करकरारी होके रेडी हो जाएगी आखिर में जब लो फ्लेम पे आप कुक करोगे। तो गाइस हमारी फिश करी रेडी है और यहाँ पे मैकरल फ्राई भी रेडी हो चुका है। तो गाइस ये रही हमारी फिश करी राइस रेडी है, तो चलिए अब हम खाना खाते हैं, आप लोग भी खा ले, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।